हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर SBC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है कॉरिशियन उत्पीड़न, सेक्शन 15। जैसा कि हम देख चुके हैं कि किसी भी प्रस्ताव पर सहमति होनी चाहिए, और सहमति कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र होनी चाहिए, मीन्स फ्री कंसेंट होनी चाहिए। तो आज हम देखते हैं कि फ्री कंसेंट होने के लिए, हमने देखे थे पिछले लेक्चर में, हम देख चुके हैं कि फ्री कंसेंट होने के लिए 5 पॉइंट्स होते हैं। उन पॉइंट से कोई भी सहमति प्रभावित नहीं होनी चाहिए, जिसमें उत्पीड़न, कपट, अनुचित प्रभाव, मिथ्या वर्णन और गलती, ये 5 फैक्टर ऐसे हैं जिनके द्वारा अगर सहमति दी जाती है, प्रभावित होकर दी जाती है, तो सहमति स्वतंत्र नहीं मानी जाती है। तो आज हमारा टॉपिक, हम फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका जो पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है उत्पीड़न। तो बच्चों ये ध्यान रखना है, उत्पीड़न जो है सेक्शन 15 लागू होती है। उत्पीड़न, तो उत्पीड़न का अगर हम सरल शब्दों में अगर देखें, तो उत्पीड़न के अंतर्गत हम किसी भी व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक रूप से डराना या धमकाना शामिल है, यानी बलपूर्वक किसी व्यक्ति से कोई कार्य करवाना उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। अब हम बात करते हैं कि ठहराव और अनबन को उत्पीड़न किस प्रकार प्रभावित करता है। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं, जब कोई व्यक्ति प्रस्ताव करता है, तो जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति की सहमति प्राप्त करना होता है, तो या तो व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी सहमति दे दे तो सहमति स्वतंत्र मानी जाती है, लेकिन कई बार व्यक्ति की सहमति लेने के लिए उसके को डराया जाता है, धमका जाता है, तो उससे प्रभावित होकर अगर व्यक्ति सहमति अपने देता है, तो उत्पीड़न के आधार पर सहमति मानी जाएगी। तो इसे हम फ्री सहमति, फ्री कंसेंट नहीं बोलेंगे, मीन स्वतंत्र सहमति इसे नहीं माना जाएगा। तो उत्पीड़न का अगर हम सरल शब्दों में देखें, तो उत्पीड़न से आशय किसी भी व्यक्ति को डराना, धमकाना या बलपूर्वक कोई कार्य करवाने के लिए प्रेरित करना या बलपूर्वक उससे कार्य करवाना उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। यानी कहने का ये आशय कि व्यक्ति जो कार्य नहीं करना चाहता है, वो डर के कारण करने को तैयार हो जाता है, तो यहाँ पर उत्पीड़न का प्रयोग माना जाएगा। अब ठहराव में अगर हम देखते हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ठहराव करते को सॉरी प्रस्ताव करता है कि मैं तो तुम मुझे अपना मकान 10 लाख रुपये में बेच दो। सपोज़ करिए कि ये व्यक्ति अपना मकान बेचने को तैयार नहीं होता है, वो अपनी उस पर सहमति अपनी नहीं देना चाहता है, तो उस व्यक्ति द्वारा उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है, तो इसके कारण, डर के कारण अगर वो अपनी सहमति दे देता है, तो ये सहमति उत्पीड़न के आधार पर सहमति मानी जाएगी। और आप भारतीय अनुबंध अधिनियम की सेक्शन 15 कहती है, यदि कोई भी व्यक्ति उत्पीड़न के आधार पर अपनी सहमति देता है, तो उस समय तो वो सहमति दे देगा, लेकिन उसे बाद में ये सिद्ध करने का अधिकार है कि उसे सहमति डर के कारण दी है या उसके विरुद्ध बल का प्रयोग किया गया था, तो ऐसी स्थिति में वो अनुबंध को निरस्त कर सकता है। कहने का ये आशय है कि जब भी हम सहमति हमें मिलनी चाहिए, तो बिना किसी डर के या दबाव के हमें प्राप्त होनी चाहिए, यानी व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी सहमति अगर देता है, तभी वह फ्री सहमति कंसेंट मानी जाएगी। तो यहाँ पर यदि व्यक्ति ने डर के सहमति अपनी दी है, तो यहाँ सहमति प्राप्त करने के लिए उत्पीड़न का प्रयोग माना जाएगा। और उत्पीड़न का प्रयोग होने पर सहमति जो है स्वतंत्र नहीं होगी, तो ऐसी स्थिति में उत्पीड़न की स्थिति में क्या प्रभाव होगा ठहराव का? बच्चों, उत्पीड़न की स्थिति में जो पक्षकार है, यहाँ पर जो पीड़ित पक्षकार है, यहाँ जो पीड़ित पक्षकार कौन होगा? जिसने डर के कारण सहमति दी है, तो उसको अधिकार है कि वो उस अनुबंध को क्या बना ले, अवॉइडेबल मान ले। तो अवॉइडेबल का क्या मतलब होता है बच्चों? में पहले डिस्कस कर चुके हैं हम कि अवॉइडेबल एक ऐसा अनुबंध होता है जो कि ऐसी स्थिति में जबकि व्यक्ति ने डर के कारण अपनी सहमति दी है, जहाँ उसके विरुद्ध उत्पीड़न का या अनुचित प्रभाव का, गलत, गलती, मिथ्यावरण, ये 5 पॉइंट हमने देखे हैं फ्री कंसेंट के लिए, इनमें से अगर प्रयोग होता है तो सहमति नहीं मानी जाएगी और वो व्यर्थनीय हो जाएगा। तो यहाँ पर पीड़ित पक्षकार को ये सिद्ध करना पड़ेगा कि उसने सहमति डर के कारण दी है, या तो उस अनुबंध को निरस्त करवा सकता है या उस अनुबंध को पूर्ण कर सकता है। तो उत्पीड़न के अंतर्गत पीड़ित पक्षकार के पास ये अधिकार होता है कि वे यह सिद्ध कर दे कि जो मैंने सहमति दी है डर के कारण दी है, तो ऐसी स्थिति में अनुबंध जो है व्यर्थनीय हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में इसके प्रभाव से जो भी पक्षकार ने आपस में एक दूसरे को जो भी लिया है या दिया है, वो वापस लौटाना पड़ेगा। तो इस प्रकार बच्चों हम देखें तो उत्पीड़न की सेक्शन 15 कहती है कि किसी भी व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए बल का प्रयोग करना, ये किसी पक्षकार को डराना या धमकाकर उसको धमकाना उत्पीड़न की श्रेणी में माना जाता है, जो कि स्वतंत्र सहमति को नहीं माना जाएगा, इसके आधार पर सहमति है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो किसी भी अनुबंध होने के लिए सहमति जो है उत्पीड़न से मुक्त होनी चाहिए, मतलब सहमति उत्पीड़न के आधार पर प्राप्त नहीं होनी चाहिए,
क्योंकि प्रायः हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी कार्य नहीं करेगा लेकिन उसको डराया जाएगा तो अवश्य वो सहमति अपनी दे देगा, लेकिन वो सहमति उस स्वेच्छा से नहीं दे रहा है बल्कि डर के प्रयोग से वो दे रहा है। तो उत्पीड़न किसी भी ठहराव में नहीं, कि उत्पीड़न के आधार पर किसी भी अनबन को नहीं बनाया जा सकता, तो इस तरह के अनबन जो तो व्यर्थ नहीं माने जाते हैं।